मुजफ्फरपुर में अहियापुर के बखरी के पास बीती 27 जनवरी रात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई पिकअप के लूट मामले में पुलिस ने गोपालगंज व छपरा इलाके के चार लुटेरों को पकड़ा है। अंतर जिला वाहन लूट गिरोह से चारों बदमाश जुड़े हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस टीम लूटे गए पिकअप की बरामदगी के लिए गोरखपुर इलाके में छापेमारी की। हालांकि रविवार देर शाम तक पिकअप बरामद नहीं हो सकी। नगर DSP राघव दयाल ने बताया कि लुटेरों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। पिकअप लूट के बाद CCTV फुटेज की छानबीन में अपराधियों की कार का नंबर दिखा। इसके आधार पर गिरोह को चिन्हित किया गया है। इसमें गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाने के कतालपुर गांव के मोहम्मद सद्दाम हुसैन, फतेहपुर के राजू कुमार, गोपालगंज के मोहम्मदपुर में सुभाष राय व छपरा जिले के हरपुर जाम के अखलाक अंसारी को गिरफ्तार किया गया। लुटेरों की कार जब्त की गई है। गोरखपुर में जहां पिकअप बेचने की बात चारों बदमाशों ने स्वीकार की है, वहां से पिकअप बरामद नहीं हो सकी। चारों शातिरों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कपासडंगा इलाका निवासी आजाद अली पिकअप वैन लेकर मुजफ्फरपुर आया था। काटी से 20 बोरा महिलाओं के बाल व 5 बोरा स्क्रैप लादकर पश्चिम बंगाल जा रहा था। बीते 27 जनवरी की रात वह बकरी में लाइन होटल पर खाना खाने के लिए रुका था। इसी दौरान बदमाशों ने उसकी पिकअप लूट ली थी। आजाद अली के आवेदन पर अहियापुर थाना में घटना की FIR दर्ज की गई थी। वो अहियापुर थाना क्षेत्र में एक विगत माह में ही घटना घटी थी। एक पिकअप वाहन पर बाल केस ले जाया जा रहा था, उसमें ड्राइवर खलासी को उतार करके और बाल लेकर के अपराधकर्मी गाड़ी समेत भाग गए थे। उसमें एक चार चक्का गाड़ी का उपयोग किया गया था अपराधियों द्वारा। तो अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर उसमें से जो शामिल अपराधकर्मी थे एक अपराधकर्मी को पकड़ा गया। फिर उनके कन्फेशन के आधार पर अन्य 3 अपराधकर्मी को पकड़ा गया जो इस कांड में शामिल थे। उसमें गोपालगंज का और छपरा जिला का अपराधकर्मी शामिल थे और पिकअप को ले जाकर अलग अदर स्टेट में बेच दिए थे। बेचने के बाद प्रकाश में आए थे उन लोगों के कन्फेशन के हिसाब से। और उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन लोगों के निशानदेही पर जो बाल चोरी किया गया था वो बाल भी बरामद किया गया है। और जिस पिकअप वाहन जिस चार चक्का वाहन से वो घटना कारित किया गया था उसको भी पकड़ा गया है। चारों गिरफ्तार अपराधकर्मियों को उस केस में न्यायालय भी भेजा गया है। अंतर जिला गिरोह या अंतर राज्य गिरोह भी कहा जा सकता है क्योंकि पिकअप को ले जाकर दूसरे राज्य में ये लोग खपाए हैं। ये बड़े गिरोह के लोग जी और इसमें आगे की कार्रवाई अनुसंधान अभी जारी है। आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तो पूछताछ होगा, अब उनको फिर पुलिस रिमांड पर लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाल और बाकी जो चीज़ें थी उनका लूट का मोटिव क्या था, क्या चीज़ लूट? वो बाल को लेकर के, बाल तो महंगा चीज़ है, उसको लूट करके गाड़ी भी खपाने का और बाल को भी खपाने का इन लोगों का मोटिव तो उद्देश्य यही था। जो सामान उसमें लोड था उसको बेचने का इन लोगों का उद्देश्य था।